बारिश रुकने के बाद में हम लोग वॉक पे आए और धूप हो गई तेज, ऐसे दिखी धूप निकली है ना बारिश के बाद में, जैसे पता नहीं कितनी तेज, वैसे बारिश कल से अच्छी हुई है। गधे गधे देख सामने कितने सारे गधे बैठ गया, देखो कहीं भी बैठने से मतलब है, टारगेट है सामने भोलू, अब भोलू से तो यू टर्न ले लिया, अब कैसे करेगा, करे मैं तो सल्ली से बैठ जाऊंगा, जब भोलू आएगा तब की तब देखेंगे, जल्दी किसे है। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, भोलू दा शिकार पकड़ा जा चुका है, अभी इसकी गला दबाएंगे, कभी पैर काटेंगे, कभी कान काटेंगे, देखना देखना कैसे जैसे क्या मतलब इसको, इनको खुजली हुई है और इन सब ने बोला शहजादे हमें खुजा दे। बड़े भाई साहब की बारी है, बड़े भाई साहब आए हैं, गोलू अभी किसी पप्पी को बुली करके आया है भोलू के साथ में, कल्लो कहाँ रह गई, कल्लो तो नहीं तुम्हारे साथ में, कल्लो भी गई थी साथ साथ पीछे पीछे भाग के, पर यह कि कल्लो खुद से शुरुआत नहीं करती किसी भी रोग के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को, तो मैं और मेरी पलटन हम लोग दूसरी बार आ चुके हैं वॉक पे, और गोलू भोलू का ऐसे है कि वो खुद से इतना बुली करते हैं डॉग्स को जाके, पिंच करते हैं पॉक करते हैं, और फिर जब इनसे ऊपर वाली पार्टी मिल जाती है तो फिर रो के वापस आ जाते हैं मेरी तरफ और डॉग्स की तरफ कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, ये तो हम पे ही भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इनको चुल बहुत है कसम से, इनको इतनी चुल है ना दूसरे डॉग्स को छेड़ने की कि मैं इनकी इस आदत से मैं परेशान हूँ, और इवन मुझे बहुत सुनने को भी मिलता है, लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने कुत्तों को संभाल के नहीं रखते हो, ये सबको कितना परेशान करते हैं, इवन जो जैसे और स्ट्रीट डॉग्स के ओनर है ना जो उन्हें खाना खिलाते हैं, जैसे मैं टेक केयर करती हूँ वो करते हैं, वो मेरे को बोलते हैं कह रहे ये बहुत बदतमीज़ है आप इनको समझाया करो, मैंने कहा यार कितना ही समझाऊँ क्या ही बोलूँ मैं, नहीं सुनते क्या करूँ बताऊँ, मार तो नहीं सकती ना। तितलियाँ देखो कितनी सारी, तितली तितली लेकिन पीछे आ जाओ, गुड बॉय। ये वाली जो लेन है ना हमारे सेक्टर को सबसे बेस्ट लगती है सबसे, इसकी रोड देखो एकदम ब्लैक दिखेगी, दोनों तरफ पेड़, सामने ऐसा लगता है जैसे किसी ने पोस्टर लगा दिया हो। अब हमने बना लिए घर आके चाय, बाहर बैठ के चुस्कियाँ मारते हुए चाय की मौसम का एंजॉय लेंगे, मौसम का एंजॉय, हाँ मौसम को एंजॉय करेंगे। एक तो पता नहीं क्यों यहाँ पे नोएडा आके ना मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब होती जा रही है, इतना इतना को इतनी, इतनी को इतना, और मतलब किसका किसकी सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। शहजादे को वॉक कराने के बाद में मैंने विस्की को वॉक कराया है, और बाहर कुछ सफाई होनी थी, कल मैंने विस्की का बेड साफ़ किया था, और जैसे मैंने साफ़ करके मतलब जैसे गंदा खाने के कुछ दाने पड़े रहते हैं कुछ भी, तो पी पैड फाड़ती रहती है उसके छोटे 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 टुकड़े वो बेड के अंदर घुसा देती है, तो मैं जैसे ही उसको झाड़ के अंदर आई बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद में तो वो उठा नहीं, मैंने कोशिश की कि मैं उल्टा इवन भीग भी गई लेकिन वो हो नहीं पाया साफ। अब मैंने जाके उसकी पूरी सफाई की है इससे पहले वो और गंदी मच जाए, क्योंकि इससे ना क्या हुआ कि वो उसमें थोड़े दो चार दाने भी थे तो काफ़ी मैसी सा हो गया था, उसको पूरा क्लीन करके और विस्की दीदी को भी सुसुकोटी करा के अब हम चाय का आनंद लेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। पहले तो आप मेरे बगीचे का आनंद लो, सुंदर सुंदर फूल देखो कितने प्यारे हैं प्राप्ता के फूल, उसके बाद में सनफ्लावर, उसके बाद में ये तितलियाँ उड़ते हुए, और उधर भी सनफ्लावर है, इधर ये पिंक वाले पैड ऑफ इंडिया, तितलियाँ देखो तितलियाँ देखो बस आप और कुछ मत देखो। गाइस खाना वगैरह बना, अरे बाप रे क्या पसीना क्या हल तुर्की है, खाना बना दिया, कढ़ी बनाई है, पकौड़े बना के जस्ट डाले हैं उसमें, तड़का लगाना बाकी है, राइस बनने रख रही हूँ, रोटी कोई खाएगा नहीं क्योंकि मैं बनाऊँगी नहीं, अगर बनाऊँगी तो खा लेंगे, नहीं बनाऊँगी तो नहीं खाएंगे, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कढ़ी के साथ चावल ही हमारे यहाँ चलते हैं, मैं और उन चावल ही खा के खुश हैं, रोटी तो अगर कढ़ी बची तो रात को खाएंगे उसको और तड़का लगा के, क्योंकि कढ़ी जितना तड़का लगाओ उतनी स्वादिष्ट होती जाती है, तो खैर सभी को फाइनली कढ़ी बन के रेडी, राइस बन चुके हैं। दोपहर 1:30 बजे, ये देखो हमारे घर का हाल, बड़े भाई साहब अच्छा गाइज यहाँ पे कोई नवाब नहीं है, ठीक है किसी को दिखा तो नहीं ना नवाब, ओके उसके बाद में हमारे छोटू महाराज, छोटू महाराज सो रहे मजे से, उसके बाद में हमारी विचकू दीदी, विचकू दीदी आधी बेड पे हैं आधी नीचे, क्योंकि इन्हें ठंडी भी लेनी है इन्हें गर्मी भी लेनी है, इन्हें दोनों एहसास लेने हैं, तो ये देखो छिपली की तरह नीचे आई हुई है, और इधर हमारे नवाब भैया,
नवाब भैया बेड पे चढ़ के लेटी पेटी मार रहे थे क्योंकि इन्होंने भी खाना खाया, तो ये अपना मुंह साफ कर रहे थे। और मम्मा ने बना लिया खाना, मम्मा जा रही है नहाई नहाई करने और उसके बाद में खाएगी खाना। लो जी खाना बना रही थी मैं, इतने में ही बारिश शुरू। नवाब और शहजादा सो रहे हैं अंदर, इन्हें अभी पता नहीं चला कि बारिश आनी शुरू हुई है। नवाब को तो खैर बस बैठ के देखना होता है, शहजादे को भीगना होता है, लेकिन अगर आज ना भीगे तो ज़्यादा अच्छा है, कल बहुत ज़्यादा भीग गया था। जैसे ही बारिश रुकी दोनों ही भाई साहब बाहर बुलाए मैंने, थोड़ा सुसू वगैरह कर लेंगे। सफ़ेद वाला इधर है, ये भाई साहब इधर है, इनकी तो अपनी सेटिंग सी नहीं बैठती। ये इतना प्रीमियम क्यों है मुझे इसका समझ नहीं आता, ये इतना प्रीमियम कैसे है, क्यों है, मतलब भगवान जी ने क्या ही सोच के बनाया नवाब को सच में। तो भाई अभी हम निकले हैं वॉक के लिए, मैं और शहजादा। और गाइज आज ना सीधा दोपहर के बाद में मैं रात को मतलब शाम को बना रही हूँ 8 बजे के करीब ब्लॉग, क्योंकि हुआ क्या कि बीच में कसाना भी आया, गौरव भी आया, उसको उसका सिलेंडर लेके आए थे हम खाली, तो वो उसको भरा हुआ लेके गया। नवाब यहीं पे हूँ बेटा, बाहर ही हूँ मैं, नहीं बेटा मेंढक नहीं पकड़ना। तो आज ना मैं सोई भी नहीं, मैंने कोई रेस्ट भी नहीं किया, लेकिन ऐ वहीं टाइम निकल गया आज, मतलब व्लॉग नहीं बन पाया कुछ। और मैं सच बताऊँ तो मैं सफाई भी कह दूँ, मैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि नो मेंढक पकड़ रहा है, नो बेटा नो नो नो, गुड बॉय शहजादा इज़ अ गुड बॉय, शहजादा इज़ अ वेरी गुड बॉय। शहजादा धीरे धीरे क्लासेस ले रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बेटर है। अकेला तो अभी नहीं रहता है ये, क्योंकि ये रह भी नहीं सकता, इसको एनजाइटी हो जाएगी क्योंकि बचपन से कभी अकेला रहा ही नहीं है। जो बच्चा बचपन से 8-10 डॉग्स के साथ में 4 से 5 लोगों के बीच में रहा हो, वो अकेला तो कैसे ही रह लेगा। तो इसकी इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बचपन से कभी नहीं रहा ऐसे, तो अब तो क्या ही उम्मीद करें उससे। हाँ तो मैं बताया मैं व्लॉग नहीं बनाया। अभी हमारा शहजादा फ्री हुआ है सुसु पोटी करके, ये जा रहा है वापस, इसके बाद में हम लेके आएंगे अपने नाबू को। ये देखो इसका चल रहा है घमासान युद्ध भोलू के साथ, इसका नहीं मन करता। एक बार जब ये आ जाता ना बाहर घूमने, इसका नहीं मन करता घर जाने का, फिर ये भूल जाता है घर पे बड़ा भाई भी है, बड़ी दीदी भी है, वो वेट कर रही होंगी, कोई मतलब नहीं। अभी नवाब आया घूमने और उसे ना टाइगर परेशान कर रही है। अभी शहजादा टाइगर के साथ में इतना ज़्यादा खेला है, अब नवाब आया तो नवाब को परेशान कर रही है। ये देखो सामने दरवाजे के पीछे शहजादा खड़ा रो रहा है, और रो क्यों रहा है, क्योंकि सिर्फ नवाब बाहर घूमने आया है और इसको मैंने सबसे पहले घुमाया है। पहले मैं शहजादे को घुमाती हूँ, फिर मैं नवाब को घुमाती हूँ। आप तो क्यों नहीं है तू हैं? पापा सुबह के गए, एक ही कदम रखा है, सिर्फ एक कदम। बहुत सियाणा बनता है कसम से, बहुत ज्यादा। लो अब खुजाओ, करो खुजली। हाँ पकड़ा गया ना, ज़्यादा चंट बनता है। तो बच्चों मैं जा रही फीडिंग करने। जीवन तेरा जीवन का एक ही मकसद है कि ये तीनों चारों जितनी बोतलें पानी की भर के रख दे, ठीक है? और इन दोनों लफंडरों को बाहर मत जाने दियो क्योंकि बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, फिर रात में सूखने बहुत ही मुश्किल रहेंगे। स्पेशली इस नलायक को, ये नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा बारिश में। ये आतंक ही है अपने आप में, एक आतंक है, बहुत बड़ा आतंक है ये। क्योंकि हम जब क्लास 10 भी में थे तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी क्लास को नाम दिया था आतंकवादी। देख देख क्या खाया, देख देख क्या लिया मुंह में, चीता खाया क्या खाया। गाइस मैं अब जा रही हूँ फीडिंग करने, और आज का दिन बहुत ही लेजी लेजी आलसी भरा रहा, मुझे नहीं पता क्यों रहा, लेकिन रहा। आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ना ही मेरी कुछ वीडियोज बनी, ना ही कुछ प्रमोशन हुआ, ना ही मैं कोई अपना बच्चा ट्रीटमेंट के लिए लेके गई। तो ये फीडिंग करते करते हम पहुँचे मिर्ची पलटन के पास, लेकिन मिर्ची पलटन, हाँ वो कंप्लेन कर रहा है मेरे सामने किसी ने अपना खाने का जो झूठा होता है वो छोड़ा हुआ है। अरे मिर्चा आ गया तो वो खा रहे थे। आपके बाहर का आज जंक फूड खा रहे थे, मोमो खा रहे थे, मोमो, हाँ मोमो खा रहा था, है मिर्चा मेरा मोमो खा रहा था। फटाफट खा ले से पहले बारिश शुरू हो गई। पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव ना करने के बाद में, छुट्टी मारने के बाद में जो चेहरा दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, सड़ा हुआ और आलसी और बहुत ही डिप्रेसिंग। तो मैं अभी फीडिंग के लिए आई हूँ, तो जो मिर्चा है हमारा वो खाना कम खा रहा है, कंप्लेन ज़्यादा कर रहा है। लो ना बच्चे बेचारे खा रहे हैं आराम से, मैं थप्पड़ लगा दूंगी, बता रही हूँ तो बहुत बदतमीजी कर रहा है।
अभी थोड़ा ना इस वाले बच्चे को थोड़ा आराम है। मैं दिन में इसको कैराडिल दे के गई थी, पेन किलर। तो डॉक्टर से मैंने वीडियो भेजी थी, तो उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि मतलब वो मुझे भी समझ में आ रहा है, हड्डी नहीं टूटी है, गुम चोट। तो गाइस जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश आ गई है तो होने लगी है काफ़ी तेज। मैं घर पहुँचने तक पूरी भीग जाऊँगी और मुझे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। गोलू जल्दी खा ले बेटा, तू भी भीग जाएगा। ये इन लोगों की अलग नौटंकी चल रही है, इनको हो रहा है कि हमें बारिश में नहीं भीगना, हम बारिश में भीग जाएंगे, पता नहीं गल जाएंगे क्या, पेपर हो गया तुम। फीडिंग में डन कराई, अब मैं जीवन को फटाफट आधे रास्ते तक जहाँ पे दरवाज़ा बंद है वहाँ तक छोड़ के आती हूँ। 2 या 3 मिनट ही लगेंगे हार्डली, क्योंकि बारिश तेज़ होती जा रही है। मैं तो भीग ही गई, ये क्यों भीगे बेचारा। आ जा जल्दी, आ जा, आओ आओ मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले। दोस्तों फीडिंग करके आ गए, जीवन को ड्रॉप करके मैंने खाई 2 गुंजिया, उसके बाद पिया 2 ग्लास पानी। अब आके आराम से बेड पे लेटी हूँ। त्यागी जी भी आए नहीं, त्यागी जी को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि त्यागी जी गए विकास के पास, पहले नवाब की दुनिया थे वो 10 बजे तक, उसके बाद में जब वहाँ से काम फिनिश देन वो गए विकास के पास। अभी विकास के पास से आएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे, मैं तब तक जाग नहीं पाऊँगी। तो हमारा ना ऐसे ही होता है, हम आपस में एक ही घर शेयर करते हैं, एक ही कमरा शेयर करते हैं, लेकिन हम आपस में हमारे पास ना बात करने का भी टाइम नहीं है कि बंदा डिस्कस ही कर ले, कुछ पूछ ही ले, बात ही कर ले। अब मैं तब तक सो जाऊँगी जब तक रोहन आएंगे, रोहन आएंगे आके कुछ एडिटिंग वगैरह करेंगे, जब तक सोएंगे तब सोएंगे, मैं सुबह उठ जाऊँगी जल्दी, रोहन थोड़ा लेट उठते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूँ, आज का दिन यही बेड, इसी बेड पर लेट के निकाला मैंने पूरा दिन, कुछ नहीं किया सच में। अब रिग्रेट हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अरे यार क्यों नहीं किया मैंने कुछ, मेरे पास काम तो इतने पड़े हैं, मैंने क्यों पेंडिंग कर दिए। चलो ठीक है, अब तो टाइम निकल गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब सुबह उठेंगे, सुबह से लगेंगे एकदम अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शिवरात्रि।